सुप्रभात दगड़ियो, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात आप सभी को मेरा प्रणाम है और छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। और हम लोगों का नाश्ता हो चुका है, स्वामी जी फॉर्म भर रहे हैं और चाची और ने नाश्ता कर लिया है। अभी थोड़ी देर में चाची और निकलने वाले हैं और मैंने अभी बर्तन बुर्तन कुछ नहीं धुले। मैंने सोचा जब चाची और जाएंगे तभी, तो चाची फ़ोन पे बात कर रही हैं। हाय, बाय, हेलो, हाय, बाय करने लग गए। सुबह सुबह बाय तब करेंगे जब चाची और जाएंगे। तब तक मैं गाइस मेरे बहुत सारे बर्तन पड़े धोने के लिए, तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। पता नहीं चाची और कब जाएंगे, जो हो ठीक है गाइस। तो मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ चाची और का जाना, ठीक है गाइस। जाओ बहुत मजा आओ ना। नमस्ते मिल गया पैसा, लूटो 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 माल। तो गाइस देखो चाची और तो तैयार हो चुके हैं, जाने की कगार में है। ये देखो, बाय बाय गाइस। हाँ, अब हम जा रहे हैं लुधियाना। हाँ, आप कब मिलेंगे? मई में मिलेंगे चाची। मई में यहाँ आएगी ना चाची? मई में मिलेंगे। ये अमन है, काजू का छोटा भाई। हेलो, मेरी दीदी को बोलो लाइक करो। बोल बोल, नहीं करना लाइक होना, शिव की तरह डिसलाइक करो। डिसलाइक। हाँ, तो गाइस चाची जा रही है, हम चाची को फटाने जा रहे हैं भैर तक। गाइस मुझे तो मिलेगा पैसा, कब मिलेगा मुझे पैसा? खाली खाली टीका लगाया। तो गाइस चाची और जाने के लिए तैयार हैं और हम भी इंतजार में हैं। इंतजार में वो, और स्वामी जी कुछ गिन रहे हैं, पता नहीं क्या गिन रहे हैं। तैयार हैं और कमांडो देने के लिए तैयार है। मिल 2 घंटे बाद मुर्गी चुमे अंडा दो, सर्विस कराना। मुर्गी चुमे अंडा दो, मोर का दिन आना। तुम ब्याह तुम बोल दे का उल्टी बात। तो सासू माँ फिर कुछ नहीं कहा, तुमने ड्राम नहीं करे करो। सासू माँ देखो गाइस मुझे 20 रुपए दे रही है, देखना। सासू माँ ये देखना, मिल गया मुझे भी, खाली टीका लगाया था और इसके मुझे पैसे मिल चुके हैं। आई एम सो हैप्पी। 20 रुपए टीका लगाया ना, खाली खाली। अब बुढ़ा पीछे पीछे देख रहे कि मुझे भी तो खाली टीका लगा है। 10 आपके 10 मेरे, ठीक है, खुश। तो गाइस मुझे मिल चुके हैं पैसे, मैं यहाँ रख देती हूँ और चाची और को फटा के आते हैं हम थोड़ी। मिल गए पैसे, मिल गए। हाँ, पैसे तो निकल ही जाने। तो गाइस हम चाची की हूँ क्या था घर नहीं जाता भाई, दिख रहे ना कि लोन और तो नहीं सामान। तो एक चाची का सामान हम बाहर लेके जाते हैं। लो गाइस आ गए हम बाहर पे, आ गए हम। तो गाइस सारे आ चुके हैं, स्वामी जी स्कूटी में छोड़ के आएंगे, पता नहीं कहां तक छोड़ के आएंगे। मैं तो डर लगा ना, अमर तो बनाया निकाल निकाल निकाल
चलो आ जाओ। तो गाइस हम बाहर आ चुके हैं, ये देखो, ये देखो सासू माँ इतना बड़ा बैग उठा रहे हैं। ये देखो गाइस, हाँ अमन स्कूटी निकाल रहा है। देखो अमन के पैर बहुत लंबे लंबे, आराम से पहुंच जाएंगे। ये आगे मेरे पे आगे मेरे, ये गजब। तो सब जाने के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे कहाँ पे कमी आ रही है। बैग जो छोटे से ये तो ऐसे डाल दिया वक्त में, ये वाला बैग यहाँ पे रख दो, भूले ना बाद में। मैं तो भूल भी जान शेत आया था वे तो पेट्रोल रख दल। तो ये देखो गाइस सामान एडजस्ट कर रहे हैं। ना गिरन वाल तो कुछ नहीं, टूटन टाटन वाल तो नहीं ना चाहिए। हाँ तो फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस आ गया, बस तो चाची जा रही है। ये अमन ने लगा लिया पीठ पे बैग, चार पे भगवती चलाना आज। ये देखो गाइस गाड़ी स्टार्ट हो चुकी, बैठ जाइए, बैठ गया ना। अरे चाची ने पैसे देने के चक्कर में मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। चाची प्रणाम है, प्रणाम है करण जी। चल देखो बैग मां जी को हाथ में, ठीक है, ये बहन मिल जा रहे हैं हमें। हां वो नगल लेने कारण में छक्का अपन ध्यान रखिया, दवे दवे अपन, ठीक है। ओ हां सीमा को मेरे को ये पकड़ा मन कुछ, दोनों तरफ बैठो ना। सासू माँ कैमरा पकड़ने वाले थे, बैग में टांग दूंगी ना अपने। ना 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 फोन कर दिया चाचा, गाड़ी में बैठ के फोन। हाँ गाड़ी में बैठ लेता फोन, चलो आराम से चले बूढ़ा। हाँ तो गाइस चले गए चाची और तो गाइस जा चुके हैं। सासू माँ को खुद लग रही है, सासू माँ सोच रही शायद मैं भी ऐसे ही जाती हूँ। चल गयो, चलो चलो चलो। तो मैं और सासू माँ चलते हैं अब भीतर, ये काजू फोना हूँ अभी करूँ। तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं, मेरे पास बहुत काम है जैसे झाड़ू पोछा वगैरह। ओके तो मैं काजू को फोन करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। अब मैं बहुत बिजी हूँ, मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी गाइस, तो आपको मिलती हूँ सीधा खाने पे या खाने के बाद हो सकता है, ठीक है गाइस। तो गाइज मेरा सारा काम निपट चुका है और टाइम हो चुका है 12:40 और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। सासू माँ सो रखी हैं, मतलब लेट रखी हैं, और ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं अंडा सा, पर ये अंडा नहीं ये रसगुल्ला है, ये कल चाची लेके आई थी तो मैं खा रही हूँ अभी। अरे सॉरी, आप लोग भी खाइए। आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं कोई बोलना चाहोगे? तबियत खराब काला कपड़ा ना मेरी तबियत खराब आया बिन बीमार हो बस तब मैं लोड़ में तो कदम जो लगे ना तब तब मैं ठीक नहीं हुई तो छह पुजन सुर कर और जब तक जवन से तब तक का नहीं निकल छेद अब बुढ़ापा में निकला अब पैर आज मैं शर्मा को ना कहीं नहीं जान बैर मैं शर्म लग का कपड़ लोग हैं सच में देखे के हाँ तो जनता पता नहीं रहा वो है कोई बात नहीं पर ये जो दिखना चाहिए समझ से तुम तक चला खिला पैरा चाहिए ना।
चलो ठीक है। तो गाइस सासू माँ ने बताई अपनी बात, आप लोग पूछ रहे थे कि सासू माँ काले कपड़े क्यों पहनते हैं, तो यही रीज़न था उनका छल पूजा का था। जो हमारे गांव के होंगे मतलब गढ़वाल के होंगे वो समझते हैं कि क्यों पहनते हैं, और जो हम बता रहे हैं उसे भी समझ रहे होंगे। बाकी जो अदर स्टेट के हैं उन्हें समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी बस यही बात है, चलो आपको मिलती हूँ खाना बनाने के बाद, आज बहुत काम है मेरे, मैं बिजी हूँ। तो गाइज ये सुबह से चाची को छोड़ने गए थे, कितने बजे, 9:30 ना 9:04 की कितना हो रहा था, और तब से ये अब आ रहे हैं, टाइम हो चुका है 1:00, देखना टाइम नहीं क्या कारण। चमक रही स्कूटी, वाह वाह चमक रही यार, इन्होंने स्कूटी सर्विस करवाई, गजब। मर्च भी लिया था यार, जब ली यार चन्नी में बोलूंगी। आए गेट बंद कीजिए मेरी नानी, मेरा बुढ़ा, मेरे स्वामी जी, आओ मैं तुमको बात बढ़ूंगी, शाबाश मेरे को। चलो गाइस मिलते हैं खाना खाने के बाद।